नमस्कार, एनसीईआरटी आप सबका हृदय से स्वागत करता है कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में हमारे खास कार्यक्रम गाथाएं वीरों की। तन समर्पित, मन समर्पित, देश के लिए ये जीवन समर्पित, ये अभीत शब्द सिर्फ साहसिक, देशभक्त एवं जाबाज फौजियों के हो सकते हैं। इन जा निसारों को सलाम है, खून से हमारी मुल्क की जमीन को सींचने वाले शहीदों को सलाम है। बहादुरी से जंग में शहीद हो, बहादुरी से जंग में शहीद हो, तिरंगे में खुद को देख गर्व महसूस करने वालों को सलाम है। सामने मौत का मंजर हो और इस मंजर से ना डरने वालों को सलाम है। कारगिल के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भारत के लहराते तिरंगे की आन बान शान हमारे कारगिल युद्ध के नायकों को सत सत प्रणाम है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार, मैं बात कर रही हूँ सन 1999 की, जब LOC पार कर विरोधियों ने कश्मीर और लद्दाख की कड़ी को तोड़ने के लिए वंचना से भारतीय फौजियों की धराशायी करने का प्रयास किया, साथ ही भारतीय भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाने का भी प्रयास किया। जैसा कि हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, शांति की रक्षा के लिए शक्ति का प्रदर्शन और उत्तम रणनीति एवं साहस से 26 जुलाई को यह युद्ध भारत के सभी पूर्व में नियंत्रित क्षेत्रों के नियंत्रण से समाप्त हो गया और भारतीय इतिहास में कारगिल दिवस दर्जित हो गया और साथ ही विश्व किरमिच में भारत रव छा गया। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में उपस्थित मेहमानों का। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गोसाई, आपका स्वागत है सर। ग्यारहवीं बटालियन राजपुताना राइफल से सूबेदार राम किशन। सत्रहवीं जाट रेजिमेंट से सूबेदार कपूर सिंह मलिक। दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल से हवलदार करण सिंह जी। आठवीं बटालियन राजपुताना राइफल से विक्रम सिंह जी। 18वीं ग्रेनेडियर टाइगर हिल परमवीर चक्र बटालियन से एक्स हवलदार आनंद कुमार जी। 5वीं बटालियन राजपुताना राइफल से शहीद नायक सुरेश कुमार मलिक जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुलेखा देवी जी और साथ ही उपस्थित हैं उनके बड़े भाई सूबेदार शमशेर सिंह मलिक जी। आप सबका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अब हम 1999 के उस संघर्ष को चलचित्र के जरिए देखकर समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कारगिल विजय दिवस पर आधारित एक लघु फिल्म। अगणित बलिदानों से अर्जित ये स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित ये स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर ये स्वतंत्रता, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। जब तक गंगा की धार, सिंधु में है ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग एक, ये राजमार्ग मुश्को घाटी द्रास कारगिल बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरत के सामान पहुंचाती है।
ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश परमाणु शक्ति हासिल कर चुके थे। लाहौर में भारत ने पहल करते हुए दोस्ती के हाथ एक बार फिर से बढ़ाए, लेकिन साजिश के जाल तो बुने जा चुके थे। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार कर भारतीय सीमा में स्थित चोटियों और पहाड़ों पर भारी हथियार और गोला बारूद के साथ छिपकर बैठ गए। लड़ाई सिर्फ एक घुसपैठ भर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक सोची समझे साजिश थी, जिसके लिए पाकिस्तान की सेना 1998 से ही गुपचुप तरीके से तैयारी कर रही थी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास सिंधु नदी के किनारे बसा एक छोटा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पहाड़ी गांव गरकौन। छोटे से इस गांव की आबादी 600 से 700 के आसपास ही होगी। इसी गांव का रहने वाला एक बाशिंदा है ताशी। 2 मई 1999 को ताशी का एक याक खो गया। ताशी अपने याक को खोजते हुए गांव से दूर पहाड़ों पर चला गया। अपनी दूरबीन से जब उसने पहाड़ों पर देखना शुरू किया तो उसने वहां पे कुछ हलचल देखी। ये हलचल सामान्य नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग हथियारों के साथ बंजो पहाड़ी पर मौजूद थे। ताशी तुरंत पहाड़ी से नीचे उतरा और सेना को इसकी जानकारी दी। 99 माइल 2 तारीख में मेरा हक गुम हुआ था, हक को दिखने गया था मैं। तो हमें बरारू तरफ गया, गरखुन नाले तरफ, हम अपना नाले तरफ। तो हमें खा बरारू से तो हक को देखा, मैंने बिनोकुलर था मेरे पास, देखने से ऊपर बंजू टॉप में वहाँ कोई 6 बंदा नजर आया मुझे। कोई बर्फ़ भर रहा था, कोई पत्थर ढूंढ रहा था। फिर मैं हैरान हो गया बर्फ़ के बीच में कौन आया हुआ। फिर मैंने बिनोकुलर से देखा तो यही 6 बंदे से ज़्यादा था भी नहीं था, तो हरकत कर रहा था। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद हमारे ये जो सूर्य नाले जाने का एक ब्रिज होता है, वह ब्रिज में 3 पंजाब का 4-5 जवान बैठा था। फिर उस गार्ड कमांडर को मैंने रिपोर्ट दे दिया। पाक सेना ने भले ही घुसपैठ 1999 में की, लेकिन इसकी रूपरेखा वो अंदर ही अंदर 1998 से ही बना रहा था। जब 11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत को दिखाने के लिए 28 मई 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। दोनों देशों में तनाव था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तनाव को खत्म करने की खुद पहल की और फरवरी 1999 में अमन का पैगाम लेकर बस से लाहौर गए। नवाज शरीफ ने गले मिलकर उनका स्वागत किया, लेकिन कौन जानता था कि कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान पीठ में ही खंजर घोंप देगा। कारदू में मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था, उस टाइम से उसने ये प्लान किया था कि ये जो गैप है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हम ने सियाचिन के कब्जे में कर लिया था। मई 1999 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के करीब 5,000 सैनिक घुसपैठियों के वेश में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। ग्वालियर की जानकारी के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों का एक गश्ती दल भेजा, जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया और यात्रा देकर मार डाला। ये कारगिल के युद्ध से पहले भारतीय सैनिकों की शहादत थी। उसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों को मार भगाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारत ने अपनी ही पहाड़ियों पर छुपे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर भीषण पलटवार किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को दहला कर रख दिया। लड़ाई मुश्किल, बहुत मुश्किल होती जा रही थी। उसी समय भारतीय थल सेना को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया और नौसेना से कराची तक पहुंचने वाले समुद्री मार्ग से सप्लाई रोकने के लिए अपने जहाजी बेड़े अरब सागर में उतार दिए। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वायुसेना को आदेश मिला, उसके लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हो गए। ये वायुसेना के लिए पहला युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने MiG-21, MiG-23, MiG-27 को जंग के मैदान में उतारा।
वायुसेना ने दिन रात काम करने वाले और लेजर निर्देशित बम वर्षक विमान मिराज 2000 को मैदान में उतार दिया। मिराज विमान ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। हालत ये हो गई कि पहाड़ियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना के रसद, चिकित्सा सप्लाई और गोला बारूद पर भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने रोक लगा दी। तोलोलिंग युद्ध का अभियान 20 मई 1999 को शुरू हुआ, जिसका जिम्मा 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया। तोलोलिंग पर कब्जा करने की कोशिश में 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान शहीद हो चुके थे। यह अपने आप में बहुत बड़ी क्षति थी और इसका कारण स्पष्ट था। ऊपर चोटी पर बैठा दुश्मन लगातार हमले कर रहा था, एडवांटेज की पोजीशन में था। जब दो राजपुताना राइफल्स के जवान भी जब 18 ग्रेनेडियर्स के साथ मिल गए तो इस चोटी पे उन्होंने जबरदस्त हमला किया और नुकसान होने के बावजूद यहां पे जबरदस्त जीत हासिल की, जिसने कारगिल की लड़ाई का रुख मोड़ कर रख दिया। राजपुताना राइफल की दूसरी बटालियन ने 12-13 जून 1999 को तोलोलिंग टॉप पर कब्जा कर भारत को ऑपरेशन विजय की जीत दिला दी। पहाड़ों की लड़ाई में अगर एनिमी टॉप पे बैठा हुआ है तो वो आपसे 20 टाइम्स मिनिमम ज्यादा पावरफुल है। वो पत्थर भी फेंकेगा, कैजुअल्टी होगी। उसने चारों तरफ माइंस लगा रखी थी, वो हमें देख सकता था। उसके पास रॉकेट लॉन्चर थे और जैसे ही हम चढ़ाई शुरू करते थे सारी रीइंफोर्समेंट उसी पीक पे आ जाती थी। और उस समय हमारे पास ऑक्सीजन की यहाँ पे इस एरिया में कमी है, हमारे पास इक्विपमेंट पूरे नहीं थे, बट एक जज्बा था, एक पैशन था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम विक्ट्री को हासिल करके रहेंगे। चाहे पर्सनल आपके सेक्रीफाइस मैटर नहीं करता, इनफैक्ट मैं जस्ट एक महीने पहले मेरी शादी हुई थी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का बेटा था, किसी का पति था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि इस समय देश के ऊपर संकट है। अगर मैंने अपनी इस वर्दी का, इस यूनिफॉर्म का फर्ज आज आजाद नहीं किया तो शायद ये बहुत गलत होगा। कारगिल युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को तुरंत भारत पहुंचे और भारत के रक्षा मंत्री से वायुसेना के हमलों को रोकने के लिए बोला। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान के सैनिक पीछे नहीं हटते भारत हमले नहीं रोकेगा। दुश्मनों ने पॉइंट 4875 पर कई बंकर बना लिए थे। कैप्टन नायर का सामना कुल 4 बंकरों से हुआ था, भीषण युद्ध हुआ। वहीं शेरशाह कोड नाम वाले कैप्टन विक्रम बत्रा, जो पहले ही 5140 चोटी पर फतह कर चुके थे, अपने दूसरे अभियान पर थे और दुश्मनों को चुन चुन कर जहन्नम का रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना के 46 न जाने कितने पाकिस्तानी पैरामिलिट्री के जवानों ने हमला बोल दिया, जिसमें कैप्टन नायर और कैप्टन विक्रम बत्रा सहित 11 भारतीय जवानों ने शहादत दी। लेकिन जाते जाते ये तय कर गए कि भारत माँ की ये चोटी 4875 दोबारा दुश्मन इस पर आंख न उठा पाए। मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए, तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे शोला बन के लड़ता रहा, जिस मौके जख्म नहीं देखे बस आगे बढ़ता रहा। दुश्मन का हौसला चूर किया, उन्हें हारने पे मजबूर किया।
जब गोली लगी तेरे सीने पे तब ठहर गई मेरी सांसें, जब तूने मुझे अलविदा कहा तो बरस पड़ी मेरी आंखें। सोलह हजार सात सौ फीट ऊंची टाइगर हिल पर कब्जा करने की पहली कोशिश मई में की गई थी, लेकिन हमारे जवानों को नुकसान उठाना पड़ा। कारगिल हिल की दूसरी और अंतिम लड़ाई के पहले भारतीय तोपों की 100 बैटरियों ने एक साथ टाइगर हिल पर गोले बरसाए। उससे पहले मिराज 2000 विमानों ने पेवे लेजर गाइडेड बम गिराकर पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त किया, लेकिन वहां पहुंचना अभी भी मुश्किल था। टाइगर हिल पर अंतिम लड़ाई की शुरुआत 3 जुलाई 1999 की रात 8 बजे शुरू हुई। बोफोर्स पीछे से गरज गरज कर जवानों का हौसला बढ़ा रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे जवान टाइगर हिल की चोटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। हमारा जो टीम लीडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, एक कुशल नेतृत्व उन्होंने किया टीम का और उस पलटन की और रेजिमेंट का जोशीला नारा सर्वदा शक्तिशाली भारत माँ की जय घोष करते हुए हमारी ये टीम 2 रात और 1 दिन की इस कठिन परिस्थिति में आज की डेट में मौसम देख रहे हैं, इससे कहीं ठंडा मौसम था। यहाँ पर पाकिस्तानियों से आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। अब उन्हें ऊंचाई का कोई फायदा नहीं था। रात 1:30 बजे टाइगर हिल की चोटी भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में थी। भारतीय सेना एक के बाद एक द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर की तमाम हिमालय की चोटियों पर विजय का तिरंगा लहराती रही। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत पा ली गई। दो दशक पहले लिखी गई इस जांबाजी की दास्तान में हमारे 500 से ज्यादा जाबाजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 जवान और ऑफिसर घायल हुए, दुश्मन को जवाब मिला और हमने भी कुछ सबक सीखे, लेकिन आज भी याद आते हैं कई नाम। तूने जो खाया नमक मेरा उसका पूरा हक अदा किया, कुर्बानी किसको कहते हैं सारी दुनिया को बता दिया, हर हिंदुस्तानी कहता है तू उसके लहू में बहता है। तेरे माता पिता बीवी बच्चे रहते हैं मेरी पनाहों में, कभी आँच नहीं आने दूंगा, कभी आँच नहीं आने दूंगा, रखूंगा उन्हें निगाहों में। मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे तेरा हिंदुस्तान। बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमने देखी। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है ऐसे किरदार, ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने इस जंग में डटकर मुकाबला किया, तो क्यों ना उनके अनुभव सबसे पहले हम जानें।
यहाँ पर सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गोसाई जी से कि आपने पूरे एक ग्रुप ऑफ सोल्जर को वहाँ पर आपने हेड किया। मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ, इस वीडियो को मैंने देखा, यहाँ पर एक प्रश्न आता है मेरे दिमाग में कि ओपोनेंट ने इस पर्टिकुलर एरिया को ही क्यों टारगेट किया? जी, इस जैसे कि वीडियो में बताया गया था कि इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व था जी। कि ये जो इलाका था ये डोमिनेट करता था हमारा जो श्रीनगर से लेह का जो हाईवे है उसको, तो इनकी चाल थी किसी तरीके से अगर ये इसको डोमिनेट करे, हमारी गाड़ियाँ, हमारा रसद, हमारा जो राशन जाता है उस इलाके के लिए वो बंद हो जाएगा इसका, तो हमारा जो लेह वाला और लद्दाख वाला इलाका है वो बाकी देश से कट ऑफ हो जाता है। दूसरा जो चीज़ बताई गई थी कि सियाचिन का जो एरिया है उसकी भी पूरी मेंटेनेंस यहीं से होती है। सियाचिन का स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज़्यादा है, सियाचिन बीच में है, इस तरफ चाइना है जो अक्साई चिन का एरिया है और इस तरफ पीओके है, दोनों के बीच में सियाचिन है। सियाचिन ने चाइना और पाकिस्तान को साथ होने से रोका हुआ है जी। उसका महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है, तो इन इलाकों को बचाने के लिए हमको उसकी लड़ाई लड़नी थी, पाकिस्तान चाहता था वो किसी तरीके से इस इलाके को कट करते जी। यहाँ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी सूबेदार रामकिशन जी से कि यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम द्रास की बात करें तो द्रास जो है भारत की सबसे ठंडी जगह है और दुनिया में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर ये आता है सबसे ठंडी जगह पर, किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपने किया? ऐसा भारतीय सेना हर क्लाइमेट में सेट हो जाती है, भारत में हर क्लाइमेट मिलते हैं जी। ठंडे इलाके में हम लड़ाई लड़ते हैं, उससे पहले तकरीबन 70% आर्मी पोस्टिंग काट चुके होते हैं ठंडे इलाके में, इसलिए हम जिस भी फील्ड में जाते हैं जल्दी क्लाइमेट से सूट कर लेते हैं और हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। यह हमारा अनुभव है हिंदुस्तान आर्मी का और वो हमें हमेशा काम आता है, इसलिए हमारे सामने इतनी मोटी प्रॉब्लमें नहीं आती जी। यहाँ पर मैं सूबेदार कपूर सिंह मलिक जी से यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहूँगी, जैसा कि सर ने कहा कि जो इंडियन आर्मी की जितनी भी सोल्जर्स हैं वो अकोमोडेट कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही थी एक जगह तो वहाँ पर लिखा था कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो बेस पर स्थित थे उस समय में और जहाँ ओपोनेंट ने स्ट्राइक किया वो टॉप पर थे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्योंकि जब बेस में थे सोल्जर्स तो वो उस टाइम उस सिचुएशन को अडाप्ट नहीं कर पाए, आप इसको कुछ थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहेंगे? मैडम जैसे मैं भी कारगिल लड़ाई में प्रेजेंट था जी, मैं 17008 से बिलोंग करता हूँ और हम भी वहाँ जैसे रेकी की पहले लड़ाई पहले रेकी की जाती है, तो हमने रेकी की तो दुश्मन की हमने भी हरकत देखी वहाँ पर, दुश्मन जो हाइट पर बैठे थे और हम क्या है जो नाले बैठते हैं जी और जो पहाड़ी एरिया होता है उसमें तकरीबन नाले और रोड साथ साथ होते हैं, तो वहाँ से देखा गया उनकी हरकत में और उनको जो ऊपर बैठे थे उनको दबाने के लिए जो अपनी बोफोर्स गन है उसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया और मिजाइल और रैप्टर से भी अटैक किया गया और फिर एक साथ जैसे पहले एक तरफ से हमला किया गया तो क्या हो नाकामयाब रहा, फिर जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने प्लान बनाई भाई कई दिशाओं से हमला एक साथ करो, इसको बोलते हैं मल्टी डायरेक्शन हमला, तो वहाँ पर मल्टी डायरेक्शन हमला किया गया और अपनी फौज को काफ़ी कामयाबी मिली जी। यहाँ पे मैं अगर ऐड कर सकूँ तो हमारे एक टुकड़ी होती है जो पलटनों में होती घातक और बाकी जगहों पे होती है, एक आर्मी का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, ये लोग होते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, स्कीइंग, बर्फ़ में जो स्कीइंग करते हैं उसमें माहिरता होती है इनकी, तो इन लोगों को भी लड़ाई में इस्तेमाल किया गया और जो अटैकिंग ट्रूप्स को हम जितना मुश्किल अप्रोच लेके जाएंगे, जो ऊपर बैठा दुश्मन है वो ये नहीं सोचता कि वो सोचता है ये आसान रास्ता ये है हम लोग वहाँ से आएंगे, पर हम लोग क्या करते थे मुश्किल रास्ते से ऊपर जाते थे और दुश्मन सरप्राइज हो जाता था, उसको विश्वास नहीं होता था कि कोई इतनी खड़ी चढ़ाई से भी चढ़ के आ सकता है, हार्ड रास्ते का चुनाव करते हैं। वो देखता था कि अच्छा ये चार रास्ते हैं जिससे दुश्मन मतलब हम लोग आ सकते हैं, तो वो उन चारों को गार्ड करता था, बट हम पांचवें छठे किसी और रास्ते से ऊपर आ जाते थे,
तो सरप्राइज हमारे पास होता था क्योंकि अंधेरा का वक्त था, तो हम लोग रात को रॉक क्लाइंबिंग करते थे, माउंटेन क्लाइंबिंग करते थे, दुश्मन इसलिए सरप्राइज हो गया जी। यहाँ पर मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी करण सिंह जी से। जैसे कि हमें बताया गोसाई साहब ने कि हमने एक रास्ता ऑप्ट किया जो कि ऑलरेडी काफी डिफिकल्ट था और इस तरीके से हमने जीत हासिल की, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों को अभी भी शंका रहती है कि उस समय जो सोल्जर्स ऑलरेडी युद्ध में थे उनका क्या अनुभव रहा। वो अभी भी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे ये अनुभव जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, विजुलाइज नहीं कर पाते। अगर वो जो रियल लाइफ सिचुएशन रही वो आप हमें बता पाए तो काफी हेल्पफुल होगी। उस समय क्या, जैसे मैं तो नया नया था उस समय, तो इतना मतलब ऊपर वाले जो सीनियर अधिकारी थे जो भी बताते थे हम तो उस हिसाब चलते रहते थे ना, यंग थे तो इतना जोर भी नहीं आ रहा, खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल हमारे सामने, तो हम बस जैसे जैसे हमारे को बताया गया वैसे चलते गए। आज 21 साल हो गए उस लड़ाई को, मतलब ये कह सकता हूँ उसने हमारे को एक्सपीरियंस ना था नहीं बिल्कुल भी जी, बस जो सीनियर आदमी गाइड कर रहा था उस हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे थे। अगर आप वहाँ पर नॉविस भी थे इसका मतलब आपने काफी कुछ सीखा होगा, हर एक छोटी छोटी चीजें नोटिस की होगी, तो उस समय आपने क्या क्या दिक्कतों का सामना किया वो आप हमें साझा करें। वो हम नए थे तो हमारे तो सब कुछ दिक्कत ही थी जी, फर्स्ट पोस्टिंग थी हमारी कारगिल की और वो डायरेक्ट पहाड़ी एरिया में, लड़ाई के टाइम में पहुंचे वहाँ पे एकदम, तो दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन यंग थे जोश था हमारे अंदर तो हमारे को फील भी नहीं हुआ इतना कि क्या हो रहा है, मजा भी आ रहा था उसका, थोड़ी थकावट भी हो रही थी, मतलब हर साइड से इंजॉय कर रहे थे हम उसको। हमारे यहाँ जो भी अधिकारी थे वो यही बोलते लड़ाई नहीं है इसको गेम समझो, इसको एंजॉय करो जी। और यहाँ पर मैं अगला प्रश्न पूछना चाहूंगी विक्रम सिंह जी से। विक्रम सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि क्या अनुभव रहा आपका वहाँ पर जब आप युद्ध में थे, क्या अनुभव रहा? दराज का इलाका था वो, काफी ठंडा तो था ही, और वहाँ से 5-4 दिन का क्लाइमेट सूट करने के बाद में वो हमारा फौजी आदमी को सुटेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती वहाँ से, और घर की वहाँ से रहने के बाद में लड़ाई के दौरान घर भी याद नहीं आता, जो साथ के साथी है ऑफिसर है जैसे वो है वो और है सभी मिलजुल के बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ से वो रहते हैं जी। यहाँ पर हमें बताया विक्रम सर ने कि एक माइंडसेट होता है, हमें पता ही नहीं लगता कि ठंड है या कोई भी दिक्कतें हैं, वो बहुत इजी लगने लगती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाना चाह रही हूँ कि क्या माइंडसेट होता है, कैसे ओवरकम करते हैं दिक्कतों को। ये हमारे जो अफसर साहब जैसे साहिबान होते हैं, वो जैसे ही नया बच्चा आता है तो उसको इतना मोटिवेट करते हैं देश के लिए, इतना प्रोत्साहित करते हैं कि वो बच्चा सोचता है कि मैं देश के लिए, अपने देश के लिए जान नछावर कर दूं। तो जब भी हमारे को ऑर्डर मिलता है, हुक्म मिलता है, तो हमारे को दिल में यही उमंग रहती है कि मैं कब आगे जाऊं, मैं कब दुश्मन को मारूं, कब मेरे सामने दुश्मन आए, कब मैं भारत माता को जीत दिलाऊं, अगर मेरे जान भी देने की बात आए तो मैं उसको भी हंसते हंसते दे जाऊं। तो इसलिए हमारे को इतना मोटिवेट कर दिया जाता है, इतना हमारे को देश के प्रति समर्पित कर दिया जाता है कि हम पीछे का आगे का कुछ नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हमारा भारत माता भारत देश कब आज़ाद हो और उसके लिए मेरा नाम आए, उसके लिए मैं आगे आऊँ, मेरा नाम देश में हो, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि इस लड़के ने इतना वो किया और आज देश के लिए न्यौछौर हो गया। इसके लिए हमारे को इतना, इसलिए इतना मोटिवेट किया जाता है कि हम पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं और देश ही देश याद रहता है जी। मोटिवेशन की बात हुई, आपने कहा कि आपके जो हेड होते हैं या सुपरवाइजिंग पर्सन होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं। सर, जैसे कि हमें बताया गया अभी प्रीवियसली कि जो सुपरवाइजिंग स्टाफ होता है, जो हेड करता है एक पर्टिकुलर ट्रूप को, वो मोटिवेशनल पावर होता है जो पूरे ट्रूप को संचालित करता है। हाँ जी। तो वो क्या माइंडसेट होता है, किस माइंडसेट के साथ आपने ट्रूप को लीड किया? मैं थोड़ा सा अगर कहानी बताना चाहूँ, हम सारे फौजी हैं बट हम फौजी बनने से पहले हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम भी आम नागरिक हैं जो किन्हीं कारणों से हम फौजी बने। एक आदमी उसी गांव का वो फौजी बनता है, उसी गांव के लोग कोई पुलिस में जाते हैं, उसी गांव के कुछ लोग होते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या टीचर होते हैं, बट फर्क कहाँ आया, उसने उसी माहौल में पढ़ा बड़ा, उसी वही खाना खाया, वही हवा पानी है, पर फर्क कहाँ आता है? वो फौजी क्यों बना? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग और दूसरा है लीडरशिप, उसका लीडर कौन था। हम ट्रेनिंग ऐसी करवाते हैं, फौज की जो ट्रेनिंग है 300-400 सालों से चल रही है, तो वो ट्रेनिंग ऐसी है कि आदमी
अपना जो काम है, टास्क है, जैसे इन्होंने बताया कि वो मोटिवेशन, बट कोई ऐसा बोल के मोटिवेट नहीं करता है। हम ट्रेनिंग ऐसी कराते हैं, हमारी फौज की ट्रेनिंग ऐसी है, आदमी खुद मोटिवेट हो जाता है। एक जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँ, बच्चे लोग बैठे हैं, बच्चों को माँ बाप कुछ बोलते हैं तो इनको अचानक कि हाँ भाई माँ बाप ने बोला है, भरोसा है मेरे को, ये चीज़ करनी है क्योंकि माँ बाप ने बोला है। यूनिट में जब सीनियर कुछ बोलता है, हम उसकी आवाज़, सेक्शन कमांडर हो, प्लेटून कमांडर हो, कंपनी कमांडर हो, उसकी आवाज़, वो रात को अंधेरे में भी जब बोलता है मेरे पीछे चलो अटैक पे, तो उसको उसकी आवाज़ ध्यान में रहती है। जैसे बच्चे माँ बाप की आवाज़ सुनते हैं, वैसे फौजी अपने सीनियर की, सेक्शन कमांडर, प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर की आवाज़ उसको अंधेरे में भी याद रहती है, पहचान रहती है उसको, और उसी को वो फॉलो करके जो टास्क बोला जाता है वो दोबारा नहीं सोचता कि मेरे को ये क्यों बोला है, उसको बोला है और वो काम करता है। शहीद नायक सुरेश कुमार मलिक जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यस, उनके वर्ड्स हमारे साथ हैं, उनकी वाइफ, उनकी अर्धांगिनी हमारे साथ है, श्रीमती सुलेखा देवी जी। मैम, आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। सर के बारे में मैंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा और मुझे यही कंक्लूजन निकला, एक इसका मैं बोल सकती हूँ एक वर्ड में अगर बोला जाए कि उनको आर्मी के लिए जुनून था। आप इसको कैसे बताना चाहेंगे, कैसे कह सकते हैं कि उनको आर्मी के लिए जुनून था? आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या यादें अभी भी हैं ताज़ा? उनकी यादें, उनके बड़े भाई भी फौज में ही थे, ये सामने बैठे हुए हैं, तो भाई को देख कर जुनून तो होता ही है, भाई भाई हैं तो हम भी वहाँ पर जाएं, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, तो ये जुनून होता ही जी। पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने भर्ती के लिए अपने ट्राई मारी और वो भर्ती हो गई जी। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी, लेकिन पहले मैं शमशेर सर से एक प्रश्न पूछ लेती हूँ कि जैसा मैम ने बताया उनको आर्मी के लिए जुनून था, लेकिन आप एक मोटिवेशनल फैक्टर थे, क्या आपने उनको मोटिवेट किया कि आर्मी में जाओ या कुछ ऐसा? जब जैसे तो वैसे तो पढ़ाई में जैसे पढ़ते ही साथ मैट्रिक का रिजल्ट उसको मिला, मैंने उसको शादी में भेजा था, अगर आप एक शादी में चले जाओ, उसने शादी छोड़ कर और रोहतक जिला सैनिक बोर्ड में भर्ती जाओगे, और शाम को शादी अटेंड कर ली, मगर उसको फौज के लिए दिल में इतनी भावना थी अक मैं देश में भर्ती हूँ और आगे जाऊँ। जैसे ही वो पाइप राज राइफल में पोस्टिंग हुआ आरआर सेंटर से, तो ये श्रीलंका में भेजा गया था भाई, वहाँ पर ये कैजुअल्टी हो गया, वहाँ भी लड़ाई लड़ाई के लिए, तो वो कैजुअल्टी होने के बाद वो वापस इंडिया में आया है, मगर इसने ये भी बोला था कि भाई तू ठीक है, कंडम हो चुका है और हम तेरे को क्या है घर भेज देते हैं। उसने क्या बोला, मैं घर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं काटागिरी हूँगा, मेरा शरीर जब तक काम करेगा मैं सेना में रहूँगा। मगर ऊपर वाले कमांडरों ने घायल होते हुए और कैजुअल्टी पैर से होने से यहाँ से इधर गोली निकली है, उनने क्या अपॉइंटमेंट ड्यूटी देते थे सिपाही से लेकर के वो नायक बना तब तक, मतलब क्या है कि उसको अपनी सपोर्ट में रखे, भाई जैसे कैंटीन में लगा दिया, जैसे मैस में लगा दिया, ऑफिसर मैस में ऐसी ड्यूटी उसको दे दी थी। फिर ये कारगिल वाली लड़ाई ख़त्म होगी, उस टाइम पर मैं जोधपुर कमांडर साहब का ड्राइवर था, मेरे को एक हफ्ते के बाद में एक लेटर मिला, वो ये पेपर न्यूज़पेपर, उसमें एक मेरे साथी ने मेरी यूनिट वाले को उसको पढ़ करके उसने मेरे पास आ गया कि ब्रिगेड कमांडर का ड्राइवर साहब, मैं वहाँ पर आया और उसने पूछा अक आपके भाई की मिसिज का क्या नाम है, मैंने उसको बोला कि मेरे भाई की मिसिज का ये नाम है, बोला ये लेटर पढ़, ये अखबार पढ़ ले, मैंने अखबार पढ़ा, मेरे घर की बात निकली पूरी और जो उसको ऊपर डिटेल दे रखी थी, मैंने कमांडर साहब को बोला साहब ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है, अगर आप छुट्टी दे सकते हो तो मैं दो दिन के चार दिन घर होकर के आऊँ। उसने स्पेशल मेरी छुट्टी बनाई, जोधपुर रेलवे स्टेशन तक गाड़ी दी और पैसा दिया, वहाँ हमारे को किसी भी उस टाइम पर लड़ाई के अंदर ये सिविल ड्रेस नहीं थी, वह जो साहब लोग पहन रहे उन ड्रेसों में मैं घर पर आया था।
सुलेखा जी, बिटिया अभी रुख आर्मी की तरफ है? बिल्कुल, उनका रुख आर्मी की तरफ होंगे। पापा की बातें सुनते हैं तो ये कहते हैं अब मम्मी मैं भी आर्मी में चली जाऊं। जी जी, जेठ के बेटे को भी लेकर वहाँ आर्मी के लिए गई 2-3 बार, उनको भी भर्ती ट्राई करवाई, लेकिन का चाचा जी ने ये काम किया तो बेटे आप भी वहाँ पर जाओ, उनका भी नाम रोशन हो। अगर देखो मैं शहीद हो गया तो बच्चे भी आगे आए जी, उनको भी लेकर गई मैं जी। हाँ, वो जरूर शहीद हो गए लेकिन आपके अंदर एक पावर जरूर वो फिल करके गए हैं। वो जो मोटिवेशन होती है आर्मी की वो जरूर आपके अंदर भी है, जो वो ट्रांसफर कर रहे हैं आप बच्चों में भी। हाँ जी, और अब क्यों ना बच्चों से बात की जाए। अगर बच्चे हमारे जो सोल्जर्स हैं या जो सर बैठे हुए हैं कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आपको पता चला कि पाकिस्तान ने मतलब ऑक्यूपाई कर लिया उस एरिया को कारगिल के, तो मतलब आपको ये मतलब मैसेज मिला कैसे? आपने मतलब कुछ अनयूजुअल देखा, कुछ अलग सा लगा? अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम लोग उस समय, मैं वहीं पे सोनामर्ग में था। सोनामर्ग का इलाका जो जिला से काफ़ी नज़दीक है, कारगिल से नज़दीक है, तो वहाँ पे हमने ट्रूप्स की काफ़ी मूवमेंट देखी, हरकत देखी। ट्रूप्स आगे की तरफ जा रहे थे एंड जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, एक वो जो बकरवाल थे जिनकी भी शीप भेड़ू वहाँ चली गई थी पार, वो लेके आए तो कुछ उन्होंने रिपोर्ट किया, कुछ फिर हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं और दूसरे जो तरीके हैं उनसे पता चलता है कि ये हुआ। बट हमको, हाँ हमको जब हमने देखा ट्रूप मूवमेंट हो रही है उस तरफ, तब हमको लगा कि आगे कुछ हुआ है। फिर जब हमने पूछा, पता किया, तो पता चला कि कुछ घुसपैठ हुई है, उसको दूर करना है। वैसे हम ये मैम से भी जान सकते हैं क्योंकि उनके भी बिटिया है, तो आप किस तरह के शब्द जो है उनसे साझा करते हैं कि आर्मी में उनको जाना है, तो किस तरह की आप ट्रेनिंग घर पर देते हैं? नहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो पूछती है पापा क्या करते थे, पापा कैसे रहते थे, पापा के विचार कैसे थे। पापा के विचार सुनेगी तो बच्चे को अपने आप प्रोत्साहन होगा, अग भाई पापा ऐसे करते थे हम भी ये करें जी। उन्होंने तो पापा को देखा भी नहीं, 7 महीने की पेट में ही थी, बाद में ही पैदा हुई थी 2 महीने बाद, लेकिन लगाव इतना है, अगर सुनती है तो ज़्यादा याद करती है। आप में से कोई और प्रश्न पूछना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जब आर्मी ज्वाइन कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आपने आर्मी ही क्यों चूज़ करा? मैं जब आपकी तरह 9th में 8th में पढ़ रहा था तो मैं उस टाइम मेरा ताऊ का लड़का था, वो छुट्टी आता था, वो भी आर्मी में था, छुट्टी आता था तो मैं उनकी यूनिफॉर्म देखता था ना, जैसे सर ने पहन रखी ड्रेस ऐसी और जो दूसरी हरे टाइप की होती है वो यूनिफॉर्म देखता था, तब मेरे को देखते ही इतना जज्बा हो जाता था मैं जाऊंगा तो आर्मी में ही जाऊँगा और मेरे को कुछ नहीं करना और देश के लिए न्योछारूँगा, देश के लिए अपना बलिदान दूंगा। लेकिन मेरे को, मैंने एक लड़ाई लड़ी कारगिल की, लेकिन उसमें मेरे को दुख इतना रहा है कि मैं उसमें शहीद नहीं हूँ उसका। मेरे को पूछना था कि आर्मी यूनिफॉर्म का कलर और डिज़ाइन ऐसा ही क्यों होता है? ओके, इसके 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये वाली जो ड्रेस होती है इसको कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं, ये आपके जैसे जंगल का इलाका है, अगर आप इस पे देखेंगे ये जो बने हुए हैं ये एक कोई एक जैसा कलर नहीं है, ये डिसरप्टिव पैटर्न है। यानी आपको कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है, इसके पीछे भी साइंस होती है, ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। तो इसके पीछे कि आप पेड़ किसी जंगल के इलाके में हैं तो आप उसमें मर्ज हो जाते हैं, आपको आप अलग से नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारा जो कैमोफ्लाज का जो तरीका होता है, अपने आप को जो वातावरण है, जो इलाका है उसमें ढाल लेना। हम अपना चेहरे पे भी, आपने देखा होगा पिक्चरों में वो कलर लगाते हैं ब्लैक, या आपके जो पेड़ पौधे जैसे पत्तों का वो हेलमेट पे भी लगा लेते हैं। तो आपने अपने आप को जो बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज करना है ताकि आप दिखाई ना दें। इसलिए जो हमारी ड्रेसेस होती हैं वो जो अमूमन सब जगह आपको पेड़ या वो चीज़ें मिलती हैं, हरी हरा, वो एक अच्छी चीज़, मतलब सब जगह हरा होता है, घास पेड़, इसलिए ज़्यादातर ग्रीन है। ये वर्दी ग्लेशियर को, बर्फ़ को छोड़कर हर लड़ाई के मैदान में सूटेबल है, क्लाइमेट है। डेजर्ट में जाएंगे हम, डेजर्ट में कैमोफ्लाइज हो जाएंगे, पहाड़ी एरिया में जाएंगे कैमोफ्लाइज हो जाएंगे,
दुश्मन को नहीं दिखेंगे। उसके बाद हम जंगल में जाएंगे, कामफ्लाइज हो जाएंगे, जंगल में मिल जाएंगे, इसके ये बेनिफिट है। आपके लिए कारगिल वॉर में सबसे डरावना चीज़ कौन सा था? देखिए बेटा, ऐसा होता है कि जब गोलियां जाती हैं कान के बगल से इधर उधर से, आपका और कुछ नहीं, थोड़ा सा ज़िंदगी के प्रति नज़रिया बदल जाता है। जब हम लोग जैसे लड़ाई से जाके वापस आए हैं यहाँ पे, तो हमको कई चीज़ों में लगता है कि लोग छोटी छोटी चीज़ों में क्यों पड़ रहे हैं, लोग रोड रेज में लड़ रहे हैं, कोई छोटे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है। अब जब हम लोग मौत को इतनी करीब से देखा है और फिर ऐसी ज़िंदगी में आते हैं, तो हम बोलते हैं यार लोग क्यों छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों लड़ रहे हैं कि तूने मेरी गाड़ी का ये कर दिया, तूने मेरे नुकसान पहुंचा दिया, छोटी छोटी चीज़ें। जब ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, हर एक रोज़ को एंजॉय करना चाहिए, हर एक दिन को अच्छे से जीना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आजकल के टाइम पर टीवी है, फ़ोन है, पर उस समय ना तो टीवी थे ना तो फ़ोन थे, तो आप अपना मनोरंजन और घर पर बातचीत कैसे करते थे? हफ्ते में दो बार भी लिख दें, चार बार भी लिख दें, हफ्ते में हर हफ्ते भी लेटर आ जाते। खाली एक चिट्ठी का, लेटर का जरिया था। एक चिट्ठी का जरिया था, उसी से बातें होती थी घर वालों से। आपको सियाचन में बताऊं लेटर कैसे आते हैं? पत्र विभाग। लेटर आया घर से, चिट्ठी आई नीचे, जो अगर चिट्ठी बाय पोस्ट ऊपर जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मतलब कोई लेके जाएगा उसको चिट्ठी ऊपर। तो क्या करते थे, नीचे से वो रेडियो सेट पे जिसके लिए चिट्ठी है उसको फ़ोन पे पढ़ के सुनाते थे कि आपकी बीवी ने ये लिखा है, ठीक है, फिर वो उसका वहीं से जवाब देता था और वो यहाँ पे लिखता था नीचे, और नीचे से ही बेस से भेज देते थे चिट्ठी। बेस से फॉरवर्ड पोस्ट में जाने में 15 दिन लग जाएंगे। यहाँ से टेलीफोन से बता दिया, उलदार करण सिंह आपकी चिट्ठी आई, बोलो मैं पढ़ के सुना दो, सुना दी जाती थी, खुश हो जाते थे। बट ये उस समय की बात है, बाद में फिर धीरे धीरे रेडियो सेट और वो सब अच्छे वाले आने लग गए हैं, जिससे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन आप बात कर सकते हो। अभी आजकल तो खैर मोबाइल हो गया है, काफ़ी चीज़ें नई आ गई हैं। और कोई प्रश्न? आपकी आर्मी में कोई प्रॉपर डाइट नहीं होती थी, अपने आप को प्रोटीन्स और वो मिनरल्स कैसे देते थे कि आपके अंदर एनर्जी रहती होगी? इनका प्रश्न ये है कि जो बैलेंस डाइट है वो फॉलो कैसे करते हैं, राइट? स्केल बने हुआ हमारे खाने का, हमारे स्केल बने होता है, कई एक बार स्केल हमें नहीं मिलता, लेकिन हम अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। कभी जो आपको ट्रेनिंग में कराया जाता है, जब आप एक बार कमांडो कोर्स करोगे, आपको पता है मैं 3 घंटे सो के भी मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, 40 किलोमीटर भाग सकता हूँ, तो आपको पहले से मेंटली इतना टफ कर दिया गया है। स्ट्रॉन्ग माइंडली स्ट्रॉन्ग होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए शरीर। आप जितना इसको लोहे की तरह है, जितना इसको थोड़ा सा तपाओगे, मेहनत करोगे, उतना अच्छा होगा। क्यों ना अब एक प्रश्नोत्तरी आधारित गेम खेली जाए। मेरे पास कुछ प्रश्न है, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, कारगिल युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है मई जुलाई 1999, मई जून 1999, जून जुलाई 1999, जुलाई अगस्त 1999। मई जुलाई 1999। ओके वंडरफुल, करेक्ट आंसर। ओके, अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम रिया है। ओके रिया, बहुत ही बेहतरीन सही जवाब है। ओके, चलिए सबको भी मौका देते हैं। अगला प्रश्न है कि जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? लद्दाख, यूटी। ओके, इज दैट करेक्ट? लेटेस्ट अभी वही हुआ। ओके वंडरफुल जी, उस समय जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। ओके, अभी लद्दाख यूटी जी। एक और प्रश्न है मेरे पास, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 दिसंबर, 26 जुलाई, 3rd of March या फिर 11 नवंबर। 26 जुलाई। वंडरफुल, यस, कारगिल दिवस 26 जुलाई होता है। यहाँ पर एक और प्रश्न है जो मैं पूछना चाहूँगी बच्चों से, इसमें से ये ज़रूर आता होगा बच्चों को कि इसमें से कौन सी फिल्म जो है वो कारगिल वॉर 1999 के कारगिल वॉर पर आधारित है, उस पर बेस्ड है ये फिल्म। लेट मी गिव ऑप्शंस, LOC, बॉर्डर, सोल्जर, गद्दार। द आंसर इज LOC।
ओके वंडरफुल, क्या बात, सही है? बिल्कुल जी। ओके ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट्स सी कौन इसका आंसर कहता है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? 18वीं ग्रेनेडियर, 11वीं गोरखा राइफल्स, 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, चौथा ऑप्शन है चौथा कुमाऊं। 11 गोरखा राइफल। ओके यस सही है सर। सही, क्या बात, वेरी नाइस। ओके चलिए, मैं और मनोज कुमार पांडे हम लोग साथ थे वहां पे। ओके तो सर कुछ आप बता भी दें कैसी आपकी दोस्ती रही मनोज कुमार पांडे जी और आपकी? देखिए पहले नहीं जानता था, वहीं पे मिला था एंड बहुत ही दिलेर आदमी, मतलब उस समय देखते ही उनसे जब मुलाकात हुई थी तो पता था कि देखते ही पता चल जाता है इंसान के बारे में, तो बहुत ही दिलेर आदमी थे एंड जैसे जिस हिसाब से वो लड़ रहे थे, दुश्मन के बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए थे, वहीं पे उन्होंने अपना पत्थरों के नीचे रहते थे और कई बार एक बार गए थे ऊपर तक, दुश्मन जैसी पहाड़ी ऐसे ऊपर सिर किया तो देखा दुश्मन सामने था, फिर उन्होंने फिर अपने आप को पीछे खींचा, दुश्मन भागे इनकी तरफ, तब इन्होंने फायर मंगाया खुद फायर करके, तब वो नीचे उस समय बच के आ गए थे। आगे उन्होंने बहुत दो तीन बहुत ही बेहतरीन लड़ाइयाँ लड़ी एंड फिर एक में आखिर में ऑफकोर्स उनका फिर शहादत जो हुई उनकी। और यहाँ पर एक और अगला प्रश्न ले लेती हूँ, कारगिल वॉर मेमोरियल कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन है द्रास, दूसरा ऑप्शन है ककसार, तीसरा ऑप्शन है बटालिक और एक है ऑप्शन जम्मू। ऑप्शन द्रास। ओके द्रास, वंडरफुल। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी जो कारगिल वॉर मेमोरियल है अगर उसके बारे में आप बच्चों को थोड़ा बता पाए, क्योंकि आई एम श्योर आप सब ने वो कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट किया होगा, सो आनंद जी क्यों ना आप बच्चों को कुछ बताएं। कारगिल वॉर मेमोरियल है वो द्रास सेक्टर में उपस्थित है, द्रास सेक्टर में बनाया हुआ है, उसकी जो दीवारें बनी हुई हैं उनके ऊपर जो वीर हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जिस जिस बटालियन के जो शहीद हुए हैं उनका नाम बटालियन वाइज लिखा हुआ है, इस बटालियन का ये आदमी शहीद हुआ है इसका नाम है, जो भी वहाँ से निकलता है, जो भी सैनिक निकलता है उनको सलूट दे के निकलता है, जो भी सिविलियन वहाँ से निकलता है उनको सलूट दे के निकलता है, जो भी बच्चा वहाँ से निकलता है वो ये सोच के निकलता है काश मेरा नाम भी इस वॉर मेमोरियल में आए, मैं भी देश के लिए शहीद हूँ, तो उसको देख के इतने प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, नए बच्चे नए सैनिक, वो देख के ये कहते हैं काश मैं भी देश के लिए नौछार हो जाऊँ। तो संक्षेप में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी सर ने। यहाँ पर एक और प्रश्न है आप सबके लिए, प्रश्न ये है कि इनमें से किन को हीरो ऑफ बटालिक कहा जाता है? विक्रम बत्रा जी को, मनोज कुमार पांडे जी को, तीसरा ऑप्शन है योगेंद्र सिंह यादव जी को या फिर संजय कुमार जी को? मनोज कुमार पांडे को। बिल्कुल सही बताया। तो इसी के साथ हम आ गए हैं प्रोग्राम के अंत की तरफ, तो क्यों ना हम अपने सोल्जर से क्यों ना उनसे हम एक मैसेज ले ले बच्चों के लिए। जी बच्चे इस देश का भविष्य हैं, सब जानते हैं, आपको भी कई बार आपके माता पिता ने बोला होगा, पर देश का जो भविष्य है वो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग कितनी डिसिप्लिन से, सेल्फ डिसिप्लिन से और किस तरीके का काम करते हो वो बताएगा कि हमारा देश जो प्रधानमंत्री जी ले जाना चाहते हैं या हम लोग सारे सोचते हैं कि देश हमारा वहाँ पहुँचे, वो कहाँ पहुँचेगा वो आप लोगों के हाथ में है। फौज एक बहुत बढ़िया जरिया है अपने आप की ज़िंदगी सुधारने का, आपके सेल्फ डिसिप्लिन। फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन है, लोग 5 साल रहते हैं 10 साल रहते हैं बाहर आ जाते हैं, वो लोग ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको एक ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि वो लोग बाहर जाके डिसिप्लिन और क्यूरोसिटी इनिशिएटिव लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। रामकिशन जी कोई मैसेज बच्चों के लिए? मैम बच्चों के लिए मैसेज यही है मोटिवेटेड रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा सकारात्मक विचारों से रहो।
यहाँ पर कपूर सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों को, अगर फौज में जाना चाहते हो तो शारीरिक और मानसिक दोनों को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी फौज में जा पाओगे। करण सर, साहब लोगों ने कवर कर ही दिया, वही चीजें हैं, फौज के प्रति तो रुझान होगा तो शुरू से होगा, आपके आसपास माहौल होगा तो जाओगे आप, वो पहले बातें चली है। अब यहाँ मैं रुक करना चाहूंगी, विक्रम सर कुछ बच्चों को आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन, दूसरा है शरीर की व्यवस्था, अपना शरीर कंट्रोल में, कोई बहुत ही अच्छी सबसे अच्छी नौकरी मदद तो फौज की लगी, अगर मेरी 54 साल एज होगी आज भी फौज बुलाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, आज भी फिजिकल वो ही है जो उदम था, 8 किलोमीटर ही भी दौड़ करता हूँ मैं, और फिजिकल फिट रहो और अपनी भावना अच्छे दिमाग से ठीक रखो। आनंद सर, फौज एक आपके पास ऐसा जरिया है जो आप फौज में जाके जो देश को ऊंचा उठाने के लिए जो कार्रवाई आप कर सकते हो, जो काम आप कर सकते हो, वो एक ऐसी संस्था जिसका नाम है फौज, बाकी आप सिविल में रह के कर सकते हो, लेकिन आपका नाम और आपके देश का नाम एक फौज में रह के काफ़ी आप देश को ऊंचा उठा सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो, वो जरिया है फौज। शमशेर सर, आगे आने वाली पीढ़ी जो फौज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे? अभी जो ये पीढ़ी चल रही है, अगर यही अपना आप में नहीं किसी चीज़ का कंट्रोल करेगी तो ऊपर वाला कुछ नहीं कर पाएगा सर। सबसे पहले इन मैंने किस ग्रुप में किस जगह पर मेरे को जाना है, उस ढाल के उसके ऊपर इतना अपना शरीर फिट करना पड़ेगा। ज़रूर, इस आपके एडवाइस से हमारे बच्चों को ज़रूर मदद मिलेगी आर्मी में करियर बनाने में। जी, सिर्फ फौज नहीं है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहो आप जाइए, आप हर एक फील्ड में जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए। जी, तो इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में मैं कहना चाहूँगी, कारगिल विजय दिवस जो है शहीदों की याद तो हमें ज़रूर दिलाता रहेगा और साथ ही हमें प्रेरणा देता रहेगा। यहाँ पर उपस्थित सारे गणमान्य का धन्यवाद, यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया और इन सब बातों के लिए आप सबका धन्यवाद, और यहाँ पर उपस्थित बच्चों का भी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आए, और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।